जनपद रीवा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सेमरिया के सचिव एवं रोजगार सहायक से तंग ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा तथा एसडीएम से सचिव राम कलेश विश्वकर्मा एवं सहायक अपर्णा अग्निहोत्री दोनों को तुरंत हटाए जाने की मांग की है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास अग्निहोत्री ने बताया कि अभी तक सचिव ने ना ही प्रभार ग्रहण किया और ना ही पंचायत में उपस्थित होते हैं। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रोजगार सहायक अपर्णा अग्निहोत्री के द्वारा पैसों की मांग की जाती है तथा उनके पति संदीप अग्निहोत्री जो कि शासकीय शिक्षक हैं उनके द्वारा सरपंच को धमकी तथा सहायक के बदले काम करते हैं। परिषद के पदाधिकारियों ने तथा सरपंच रावेन साकेत एवं उप सरपंच मीना अग्निहोत्री ने कहा कि अगर सचिव एवं रोजगार सहायक तुरंत नहीं हटाए जाते तो मजबूरन हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आज आप लोग एसडीएम कार्यालय हैं, क्या समस्या लेके आए हैं, कहाँ से आए हैं? हम लोग रीवा जनपद के अंतर्गत एक गांव है, ग्राम पंचायत सेमरिया है, उसके अंतर्गत तीन गांव है, नकटा कुलवारू सेमरिया गोविंदगढ़ के बगल से लगा हुआ गांव है। तो इसमें एक्चुअली है क्या कि ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा अभी तक प्रभार नहीं ग्रहण किया गया है और जो पुराने सचिव हैं वो उनको बोलते हैं कि आइए प्रभार ले लीजिए तो ये उसको टाल देते हैं और इसी तरह उनकी भी बहुत बड़ी लापरवाही पाई जा रही है। जो रोजगार सहायक हैं जीआरएस अपर्णा अग्निहोत्री जी, उन गाँव वालों का आरोप है कि वो भी हमारे किसी भी काम के लिए हम जाते हैं तो मना कर देती हैं साहब, और मुख्यतः जो सचिव हैं सचिव ही उनको भी मना करते हैं और इसको इसी मांग को लेकर आए हैं कि इन दोनों को वहां से हटा दिया जाए। आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे आप क्या करेंगे? अगर आगे नहीं मानी जाती तो हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगे। युवा एकता परिषद की अगुवाई में ये सभी ग्रामवासियों के साथ हम अनिश्चितकालीन अनशन में बैठेंगे। किस प्रकार की गांव वालों की समस्या आ रही है उनके कारण? ना तो आवास योजना में जो पात्र थे उनको भी अपात्र किया जा रहा है, ऐसा गांव वालों का कहना है और साथ में आए भी हैं। और इसके अलावा मतलब उनका जो व्यवहार है भी है गांव वालों के प्रति बिल्कुल सही नहीं है, मतलब कहना चाहिए कि बहुत ही रूडली बिहेवियर है उनका गाँव वालों के प्रति। ना ही कोई जानकारी दी जाती है, अगर उनसे कोई गांव वाले जानकारी पूछना चाहें। सबसे बड़ी बात कि इस समय मुख्यमंत्री की योजना चल रही है उसमें सरपंच उप सरपंच और इनका सबका उपस्थित होना सचिव सहायक सचिव का बहुत ही आवश्यक है, लेकिन आज का भी वीडियो है मेरे पास और आज का मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा, वहाँ पर कोई उपस्थित नहीं था और यही लगातार चल रहा। बल्कि अपर्णा अग्निहोत्री जी के अपर्णा अग्निहोत्री जी के पति का एक हमारे पास वीडियो है जिसमें वो सरपंच को धमकी दे रहे हैं। जो कि मैं विकास अग्निहोत्री हूँ, युवा एकता परिषद का प्रदेश उपाध्यक्ष। क्या